इस वक्त मैं मौजूद डॉक्टर बीपी त्यागी जी के साथ हूं, जो कि ईएनटी सर्जन प्रोफेसर ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया हुआ है। और डॉक्टर बीपी त्यागी जी इस वक्त जो है राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव भी हैं और स्वास्थ्य प्रभारी भी हैं। तो डॉक्टर बीपी त्यागी जी से मैं बात करूंगा कोविशील्ड पे, क्योंकि कोविशील्ड एक ऐसा मामला है जो कि इस वक्त लोगों की कभी जान बचाने के लिए लगाया गया था, आज वो जान ले रहा है। तो इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डाल। ये देखिए, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, और यहाँ जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे वाला, उसने उसमें सहभागिता ली थी। ये जो हुआ है सारा काम, उस वक्त भी हमें ये लग रहा था, क्योंकि इसकी जितनी ट्रायल फेज है वो पूरी नहीं हुई थी और इसको इमीडिएटली लगाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये गलत है। अगर कोविशील्ड में जो अब चीज़ हमें सुनने में आ रही है कि वो एक सिंड्रोम पैदा कर रही है, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, और जो कि कंपनी ने माना है कोर्ट में और एक्सेप्ट किया है, कोविशील्ड को मार्केट से हटा दिया है, माननीय मोदी जी ने अपना फोटो हटा दिया है सर्टिफिकेट से, तो ये जाहिर करता है कि ये जो 175 करोड़ वैक्सीन लगी हैं भारत में, और भी लगी हैं, अब्रॉड भी लगी हैं, वो जान जोखिम में डाला गया है। अच्छा सर, बहुतों ने नहीं भी लगवाई हैं, वो अच्छे हैं। कोविशील्ड जो है वो एक प्रोटीन को वो देती है जन्म, जिसको CD4 प्रोटीन बोलते हैं, वो प्लेटलेट को एक्टिवेट करती है और वो फिर थक्का बनाती है, थक्का बन के हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन अटैक होगा, फेफड़े में जाएगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, मतलब जान जानी है उसमें। तो ये उस वक्त होता है जब कोई आदमी या कोई महिला जिसको कोविशील्ड लगी है वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने पे CD4 ज़्यादा रिलीज होता है। तो आपने देखा होगा इतने वीडियोज आए हैं, डांस करते हुए वीडियोज आए हैं, या जो ट्रेडमिल है उस पर चलते हुए वीडियोज आए हैं, और उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो ये उसी के कारण की वजह से हुआ है। अब जब ये उनके ऊपर ये केस डाले गए हैं, इंग्लैंड में करीब 50 केसेस डाले गए थे, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है, और ये इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जानलेवा वैक्सीन बन चुकी है और इसका असर 6 साल तक रहेगा। अब मुद्दा ये है कि बचना कैसे है। बचने के लिए जिसको कोविशील्ड लगी है, एक तो वो एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें, जैसे ट्रेडमिल वगैरह दौड़ना, या जो ये डांस ज़्यादा समय तक करना, ऐसी कोई चीज़ ना करें। अपने साथ हमेशा खून को पतला करने वाली दवाई जैसे डिस्प्रिन होती है वो अपनी जेब में रखें, और एक सीरम CD4 और डी डाइमर और कोगुलेशन प्रोफाइल, ये 3 तरह के टेस्ट करवाएं, उसमें देखें, अगर टेस्ट में कोई भी कमी आती है तो अपने फिजिशियन से उसकी सलाह लें, और उस वक्त तक सलाह लेते रहें जब तक ये असर पूरा ख़त्म ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको ख़त्म होने में 5 साल लगेंगे, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का असर 5 साल से कम में ख़त्म नहीं होता है, एक्सेप्ट 1-2 जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उनको हमें एनुअली लगाना पड़ता है, पर इसका असर 5 साल तक रहेगा। अच्छा सर, इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट इसके? इसके अलावा अब ये जानलेवा वैक्सीन इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है? कोई ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसको डैमेज नहीं कर सकता वो थक्का, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है? इसके ये सब जो बैड इफ़ेक्ट मैंने बताए हैं वो सब जानलेवा हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सब जनता इसको समझ पाएगी, और जो जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको फॉलो करके अपनी जान को बचाएगी।